हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज से जेपीएससी सीडीपीओ के तहत एक क्लासेस प्रारंभ की जा रही है और इसके तहत मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में आप सभी को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, 19वीं शताब्दी के मध्य से जो है इसे पढ़ना है। तो आज जो है हम टॉपिक लेकर के हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। पहले हम भारत के जितने भी गवर्नर जनरल तथा वायसराय है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेंगे और फिर बाकी जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इस दौरान झारखंड से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में ऐड है उसको कंप्लीट करने का जो है यथासंभव प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज से जितने भी जेपीएससी सीडीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जो है बराबर क्लासेस जाएगी। चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी सीडीपीओ मॉडर्न हिस्ट्री भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। टॉपिक याद रखिएगा, 1757 से लेकर 1785 तक आज चर्चा करेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि पलासी के युद्ध से हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज जो है वारेन हेस्टिंग्स तक जो है उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेकर के क्या करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हैंड रिटन नोट्स है और इसी हैंड रिटन नोट्स के आधार पर ही जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और ये जो क्लासेस जा रही है, याद देखिएगा, इसका मेन मोटिव है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही इसको सजाया गया है, मेंस के अकॉर्डिंग इसको सजाया नहीं गया है। तो जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े और हमें मैसेज और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार फिर से आप सभी का ईगल आईएएस द स्टडी जोन में स्वागत है। मैं गोपाल घोष फ्रॉम धनबाद आप सभी का हमारे चैनल में जो है स्वागत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, देख पा रहे, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, गवर्नर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव से हम शुरुआत करें, 1757 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 1767, अर्थात दो बार रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल की गवर्नरी प्राप्त हुई थी। पहला पलासी के युद्ध से लेकर के जो है 60 तक, 3 वर्षों का, और फिर 1765 से लेकर 67 तक 2 वर्षों का। तो इस काल के दौरान अर्थात रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और ये प्रश्न जो है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही जो है सजाया गया है, अर्थात इस नोट्स का जो डिज़ाइन किया गया है वो प्रीलिम्स के हिसाब से सजाया गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो पहला उसका समय था वो था पलासी वार, एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव। सारी चीज़ें आप लोग से छिपी हुई नहीं है। मीर जाफर को अगला क्या बनाया जाता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर अगला शासक बनते हैं और इसके साथ ही बंगाल पर जो है कंपनी का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था, इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह था कि कंपनी अब जो है एक राजनीतिक शक्ति बनकर के उभरती है और वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। अब जो है ना केवल संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है बल्कि प्रशासनिक और राजनीति पर भी जो है कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ दिखता है। इसके साथ ही मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी भी प्रदान की। मीर जाफर के द्वारा ये जो जमींदारी, जो 24 परगना की जो जमींदारी प्रदान की गई और इसके साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है व्यापार की जो प्रथा है वो प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव के समय काल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में डेवलप करना और पलासी वार का जो डेट है उसे याद रखिएगा, 23 जून 1757। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद के प्रोसेस के लिए जो है हम लोग जो है थोड़ा सा और याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव की दूसरी महत्वपूर्ण कार्य जो है वह बंगाल में दैत शासन प्रणाली। लेकिन ये कब से कब का है, तो याद रखिएगा ये 1765 से लेकर 1767 से दूसरे कार्यकाल का है। उससे पहले और क्या कुछ घटा था बंगाल में उसको थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। पलासी युद्ध के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764, जिसे जिसके कारण जो है बची खुची जो शक्ति थी कंपनी
की, वो जो है बची खुशी जो हम कह सकते हैं कि बंगाल के नवाबों की जो शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया और बंगाल पर जो है संपूर्ण अधिकार कर लिया गया। जितना ना पलासी युद्ध का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम ये देखेंगे कि पलासी के युद्ध के साथ बंगाल में जो है अंग्रेजों का प्रभाव या भारत में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होता है, लेकिन लिखित तौर पर अगर हम चर्चा करेंगे तो ये बक्सर युद्ध के बाद संभव हुआ और उसके बाद शुरू हुआ भारत का दोहन, है ना। चलिए, तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764, एक तरफ जो है मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय थे, दूसरे तरफ कौन थे, मुनरो थे। इसके बाद जो है आप सभी को याद होगा 1765 में जो है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की संधि की गई। इस संधि के तहत जो है दो ट्रिटी की गई थी, एक तो 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765 को जो है दो ट्रिटी हुई थी। इन दोनों ट्रिटी को लेकर के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लें कि 12 अगस्त 1765 को जो ट्रिटी वो किसके साथ हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के साथ हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा दूरगामी सिद्ध हुआ। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी ट्रिटी के अंतर्गत जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो परमानेंट दीवानी है, कर वसूलने का जो परमानेंट अधिकार है, वो लिखित तौर पर दे दिया गया किसे, ना कंपनी को, और ये सबसे बड़ा जो है दूरगामी परिणाम माना जाता है। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी शाह आलम के साथ रॉबर्ट क्लाइव का हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसके अलावा कंपनी जो है शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना भी स्वीकार कर लिया। इसके साथ साथ जो है सुजाउद्दौला से जो है कड़ा और इलाहाबाद के जिले ले लिए गए और उसे किसे दे दिया गया, ना शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। साथ में 53 लाख रुपए निजामत के कार्य के लिए कंपनी को भी देनी थी, अर्थात कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशन भोगी बना दिया और उनके प्रशासनिक देखभाल करने के लिए निजामत के कार्य के लिए 53 लाख रुपए देना स्वीकार भी कर लिया। साथ में 26 लाख रुपए पेंशन दिए। सुजाउद्दौला अवध के जो शासक थे, सुजाउद्दौला से दो जिले ले लिए गए, इलाहाबाद और कड़ा जिले, और शेष जिले जो है किसके लिए छोड़ दिया गया, तो सुजाउद्दौला के लिए छोड़ दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण रॉबर्ट क्लाइव के जीवन की अगर सबसे बड़ी घटना या कंपनी को भारत में स्थापित करने की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है, 12 अगस्त 1765 का जो ट्रिटी हुआ था, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी और इसी संधि के तहत बंगाल बिहार और उड़ीसा की परमानेंट दीवानी जो है किसे दे दिया गया था, कंपनी को दे गया था। तो ये क्या है ना, ये सबसे बड़ा क्या माना जाता है, ट्रीटी माना जाता है। जिस तरह से पलासी वार का बाद जो है एक धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रवेश होना शुरू हुआ, तो इस ट्रीटी ने वो अधिकार अंग्रेजों को दिया जिसके तहत वो खुलेआम लूट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे ट्रिटी को लेकर के चर्चा करते हैं। इलाहाबाद की दो ट्रिटी हुई थी, उनमें 16 अगस्त की जो ट्रिटी हुई थी वो किसके साथ हुआ था, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। तो सुजाउद्दौला के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में क्या रख दिया गया, सेना को रख दिया गया, है ना। इसके साथ साथ अवध का जो शेष क्षेत्र है, अर्थात इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र, उनको छोड़ करके बाकी क्षेत्र सुजाउद्दौला को दे दिया गया। और क्या करना था, कंपनी को जो लॉसेस, उस लॉस के लिए जो है 50 लाख रुपीज जो है पे करना था, से कंपनी को पे करना पड़ा अवध के शासक को। तो अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार, तो ये मोटा मोटी हमें देखने को मिल रहा है। इस ट्रीटी का मूल उद्देश्य याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में घटी थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 12 अगस्त की जो ट्रीटी है जो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और इसी में जो है स्थायी दीवानी, परमानेंट बंगाल बिहार और स्थायी दीवानी जो है प्राप्त हुई। अब यह देखना यह था कि रॉबर्ट क्लाइव स्थाई दीवानी का करेंगे क्या, उन्हें जो है लोकल नॉलेज भी नहीं था, अर्थात कंपनी को लोकल भाषाओं का ज्ञान नहीं था, लोकल लोगों से परिचित नहीं थी। यही कारण है कि कंपनी के द्वारा या रॉबर्ट क्लाइव ने एक लूटने की एक सही नीति अपनाई और उसने जो है द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया बंगाल में। उसने क्या किया ना, द्वैध, ड्यूअल प्रणाली को स्थापित किया और यह 1765 से यह शुरू हुआ।
जैसे ही इलाहाबाद की ट्रीटी हुई और बंगाल के क्षेत्र में रेवेन्यू कलेक्शन करना है और रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जो है रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए व्यापार को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया ना, ड्यूअल प्रणाली को, द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अब इसके तहत क्या कुछ किया जाए, अब अंग्रेजों की अब बुद्धि पर यहाँ पर हमें देखना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव की जो दूरदृष्टि थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, इस पर चर्चा कीजिए, थोड़ा सोचिए। उन्होंने जो अधिकार थे वो सब अपने पास रख लिए, अर्थात जितना हमें कलेक्शन करना है रेवेन्यू वो सारे हमारे पास होगा, लेकिन जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है, निजामत के जो कार्य है, वो जो है नवाब पर छोड़ दिया गया। अर्थात नवाब जो है किसी क्षेत्र के प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखेगा लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करेगा। वहीं अंग्रेज क्या करेंगे, उन्हीं के क्षेत्र में बैठ करके क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। तो ये पॉलिसी शुरू हुई अमीर जाफर की मृत्यु के बाद। नजीमुद्दौला जैसे बैठा और इस तरीके से जो है ड्यूअल जो प्रणाली है वो शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन, इस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत हम क्या देख पाते हैं ना, राजस्व वसूली, दीवानी न्याय, विदेशी मामले जो है कंपनी के पास थे। कंपनी जो है बंगाल का कोई भी जो है दूसरे किसी शासक के साथ या दूसरे किसी क्षेत्रों के साथ संधि नहीं कर सकता है। फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं, यहाँ तो स्टेट पॉलिसी है तो किसी के साथ नहीं अपना सकता, इसको कंट्रोल कर लिया गया। राजस्व वसूली करना है वो भी किसके पास है, कंपनी के पास है। तो जितने भी अधिकार है वो अपने पास रखना, लेकिन उत्तरदायित्व हम नहीं लेंगे। अधिकार तो हम लेंगे लेकिन उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, और उत्तरदायित्व किसके पास चला गया, तो वो कम जो है नवाब के पास दे दिया गया। उसके अंतर्गत क्या था, आंतरिक शांति, फौजदारी न्याय और प्रशासन के दायित्व, ये किसके पास पहुंचा दिया गया, तो ये दे दिया गया जो है, याद रखिएगा, ये नवाब को संभालना था। इसी के तहत जो है दीवानी के कार्य के लिए जो है उप दीवान नियुक्त कर दिए गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल में किसे नियुक्त कर दिया गया, तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर दिया गया। बिहार में किसे नियुक्त कर दिया, सिताब राय को नियुक्त कर दिया गया। उड़ीसा में राय दुर्लभ को जो है नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार उप दीवान नियुक्त कर दिए गए, और इसी शोषण का परिणाम अब टैक्स कलेक्शन जो है जोर शोर से, करों की उगाही जोर शोर से होने लगा। और इसी के तहत बंगाल में भीषण अकाल भी आया था 1770 में, और इसके बाद आपने सुना होगा कि झारखंड के क्षेत्र में इस दौरान तिलका मांझी का जो है क्या चल रहा था ना, तिलका मांझी का जो ओरिजिनेशन हो रहा था। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव की ड्यूअल शासन जो प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली है वो। बंगाल के अगर अर्न गवर्नर की बात करें तो इसके बाद वेंसिटाट बने 1760 से लेकर 65 तक, जब रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। उसके बाद वर्लेस्ट बने 1767 लेकर 1769, और फिर कटियार बने 1769 से लेकर 1772, जिसके समय में हमें बंगाल का भीषण अकाल देखने को मिलता है। तो अब क्लाइव की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी ना, कंपनी के शासन को बंगाल में स्थापित कर देना, या कहें भारत में स्थापित कर देना, और इसके साथ द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करना, और इसके बाद अपने लूट की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करना। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई, और इसी सोसाइटी फॉर ट्रेड के लिए ट्रेड में जो है रैंक के हिसाब से जो व्यापारिक प्रॉफिट होती थी, उस प्रॉफिट का क्या किया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। तो भयानक लूट किया गया रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ठीक है, चलिए आगे जो है डिटेल्स हम लोग प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आगे जो है आप सभी को अलग अलग बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको लेकर भी हम लोग क्या करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के समय काल के दौरान घटने वाली घटनाएं। तो पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और इम्पॉर्टेंट क्या है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, उसमें 12 अगस्त 1765 बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ड्यूअल शासन प्रणाली 1765 से लेकर 1772 तक। इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी है कि रॉबर्ट क्लाइव तो वापस चले आए, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर बने, और बंगाल का अंग्रेजी शासन क्षेत्रों का जो वो क्या बन गए ना, प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। मतलब अब बंगाल के गवर्नर जो है क्या कहलाएंगे ना, अंग्रेजी शासक क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर, और अंग्रेजी शासन क्षेत्रों का वो क्या बन गया, प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्य है या जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो बहुत बहुत सारा है, हम कह सकते हैं कि ना केवल प्रशासन
बल्कि न्यायिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में उन्होंने जो है कई कार्य किए। हम इस क्लासेस में जो उसे शॉर्ट में समेटने का जो है प्रयास हमने किया है। आप सभी को कैसा लग रहा है ये क्लास जरूर हमें बताइएगा। चलिए, तो वारेन हेस्टिंग्स के भी दो समयकाल 1772 से लेकर 74 और 1774 से लेकर 85, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में उन्होंने 2 साल बिताया और उसके बाद वो क्या बन गए ना, अंग्रेजी क्षेत्रों का प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। और अंग्रेजी जैसे वो आए, सबसे पहला उन्होंने कौन सा काम किया ना, ड्वेल जो प्रणाली थी बंगाल में, जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसे बंद कर दिया गया, अर्थात सोसाइटी ऑफ ट्रेड को बंद कर दिया गया और रेवन्यू बोर्ड बना दिया गया। याद रखिएगा, रेवन्यू बोर्ड का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाना। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाने से पहले कुछ चीजें और हम चर्चा कर लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त होने के बाद क्या कुछ हुआ, मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को हटा दिया गया। ऑब्वियसली उनको रखने का कोई प्लान ही नहीं है, जब हम ड्वेल प्रणाली अपना ही रहे हैं तो हम दीवान को क्यों हटाए, हमने दीवान को हटा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया ना, सोसाइटी ऑफ ट्रेड के जगह पर, याद रखिएगा, इसके बाद क्या किया ना, सोसाइटी ऑफ ट्रेड के जगह पर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। इसके साथ साथ जो कोर से जो मुर्शिदाबाद में था उसे हटा करके सेफ जोन अर्थात कलकत्ता के पास लाया गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं, अब टैक्स उठाने के लिए जो ड्वेल बनाली वो तो बंद कर दी गई, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया गया, तो अब टैक्स का कलेक्शन किस प्रकार होगा। टैक्स के कलेक्शन के लिए अब एक नई प्रणाली लाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, इजारेदारी प्रथा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इजारेदारी प्रथा कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं पंचवर्षीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसके तहत जमींदारों को हटा करके ऊंची बोली लगाने वालों को जो है ठेकेदारी दे दी जाती थी। इससे फ़ायदा ये होता था, जमींदार को देने से उनके बीच में डायरेक्ट जो दर थी वो अंग्रेजों के कोष तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए उन्होंने जमींदारों को हटा दिया। और जो कोई भी इस ठेके को लेना चाहते थे पंचवर्षीय प्रणाली के अंतर्गत, जो ऊंची बोली लगाएंगे उसे ये कलेक्शन करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस प्रथा को क्या कहते हैं, इजारेदारी प्रथा कहते हैं, लेकिन ये फेल हो गया बाद में देखा जाता है। और 1776 में पुनः एक वर्षीय प्रणाली को लागू किया गया और फिर जमींदारों को भी इसमें डाला गया और बाद में कार्नवालिस के समय में जो है परमानेंट सेटलमेंट आया, ठीक है। तो इस प्रकार इजारेदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसके समय में किया गया था, तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय काल के दौरान किया गया था। चलिए, अब बात करेंगे कि न्याय प्रणाली में उन्होंने कौन कौन से सुधार किए या कौन कौन से परिवर्तन है। न्याय प्रणाली में उन्होंने मुगल काल की जो व्यवस्था थी उसे ही लाने का किया, अर्थात हिंदुओं के लिए हिंदू कोड और मुस्लिमों के लिए भी मुस्लिम कोड्स, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय जो है स्थापित किया गया। 1772 में उन्होंने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय जो है स्थापित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का पारित होना और इसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर अलीजा इम्पे थे। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट, जो है ये 4 अन्य न्यायाधीश थे। आपने बाद में देखा कि जो कलकत्ता और इसके आसपास का क्षेत्र का जो अधिकार था सुप्रीम कोर्ट का, उसे कम कर दिया गया, जिसके कारण सर अलीजा इम्पे जो है 1782 में क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं और चले जाते हैं वापस ये इन झगड़ों में। हालांकि जितने दिन थे उन्होंने जो है वारेन हेस्टिंग्स का साथ दिया और नंद कुमार का जो अभियोग है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत नंद कुमार ने जो है वारेन हेस्टिंग्स को भ्रष्टाचार के आरोप में जो है आरोपित किया था और इसके तहत ये जो है इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स दोनों ने मिलकर के उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। तो कहा जाता है कि नंद कुमार को फांसी में चढ़ाने का जो अभियोग है वो किस पर लगता है, तो वो जो है वारेन हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार पर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए 1781 में किया गया ना, कलकत्ता में जो है प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। इसके अलावा हिंदू तथा मुस्लिम्स लॉ की पुस्तकों को संग्रहित किया गया, या जो हिंदू लॉ थे या जो मुस्लिम्स लॉ है उन्हें संहिताबद्ध कर दिया गया। इसके लिए जो है 1776 में उन्होंने कोड ऑफ
जेंटो लॉ छापा, 1776 में संस्कृत पुस्तक कोड ऑफ जेंटो लॉ को छाप दिया। विल्किंस, चार्ल विल्किंस के द्वारा गीता और हितोपदेश का अनुवाद किया गया और इसका जो प्रस्तावना लिखा गया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखा गया। तो चार्ल विल्किंस को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। ऐसे कई अन्य जो पश्चिमी लेखक थे उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो हिंदू और मुस्लिम लॉ को क्या करें, ना ट्रांसलेट करें या अनुवाद करें। तो उन्होंने अनुवाद को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा इसी समय जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है स्थापित की गई 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से ही शुरू हुआ। तो एक बौद्धिक जगत में, एक शिक्षा जगत में धीरे धीरे जो है परिवर्तन आना शुरू हुआ और पश्चिमी जगत के साथ जो है कोलाब्रेशन करने के लिए या यहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं उसे जानने के लिए जो है एशियाटिक सोसाइटी स्थापित कर दी गई। कई पश्चिमी जो बौद्धिक लोग थे उन्हें कहा गया कि आप जो है यहाँ पुस्तकों का आज अनुवाद करिए। उनमें गीता और हितोपदेश का भी अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे, हम लोग कुछ युद्धों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। रोहिला का युद्ध जो कि हाफिज रहमत खां इस युद्ध में मारा गया था 1774 में। मीरन कटरा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध का संबंध किसके साथ है, तो इस युद्ध का भी संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुआ था। इसके अलावा प्रथम आंगल मराठा युद्ध हैदर खां के समय में 1775 से लेकर 1782 तक, यह युद्ध भी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में होता और सालवाई की संधि भी जो है अंततः होती है। और प्रथम आंगल मराठा युद्ध में जो है सालवाई की संधि हुई थी। और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि हैदर खां के समय में हुआ था, जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी। तो ये कुछ याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जो है लाया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स के काल का। आगे आज इस क्लास की शुरुआत की जा रही है, आगे आने वाले समय में और भी जो है नोट्सों को कलेक्शन करके आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्लासेस का मूल उद्देश्य ये है कि जेपीएससी सीडीयूपी में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसे आप सबको यथासंभव कंप्लीट करा दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।